दोस्तों मेरा एक वीडियो है अनाथालय की लड़की से शादी कैसे करें। वो वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है और उस वीडियो पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें अनाथालय का कॉन्टेक्ट नंबर आप दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको मैं बताऊंगा कि अनाथालय का नंबर आपको कैसे मिल सकता है, चाहे आप किसी भी शहर से हो किसी भी गांव से हो, तो आपको बहुत ही आसानी से अनाथालय का नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अनाथालय कोई एक नहीं है, दो नहीं है, ये हर जिले हर शहर में होता है। तो आप जिस भी जिले या जिस भी शहर में है तो आपको वहां पता करना चाहिए कि आपके शहर में अनाथालय कहाँ है। जैसे मेरे वाराणसी में या मुंबई में मुझे पता है कि अनाथालय कहाँ है। और अगर आपको नहीं पता है और आप अनाथालय का कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे गूगल सर्च में आना है। और लाइक आप कलकत्ता के हो तो आप यहाँ पे सर्च करो कोलकाता अनाथालय का नंबर। लाइक आप अगर मेरठ के हो तो मेरठ अनाथालय का नंबर। अगर आप सहारनपुर के हो तो सहारनपुर अनाथालय का नंबर। इस तरीके से अगर आप अपने शहर का नाम लगाकर इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा गूगल की तरफ से, उसमें आपको जो है आपके शहर में जो भी अनाथालय होगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज होता है और इन सारी जो जगह होती है जैसे अनाथालय हुआ ये, इनका नंबर जो होता है वो पब्लिक होता है, वो खुद ही जो है गूगल पर इन्होंने डाल कर रखा हुआ होता है। तो आपको बहुत ही आसानी से गूगल पे जो है किसी भी अनाथालय जिस भी जिले जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं आपको वहां का नंबर मिल सकता है। तो आप सबसे आसान तरीका यही है, मेरे से उनसे इनसे पूछने से कोई फायदा नहीं है। तो जैसे अगर आप इलाहाबाद के हो तो आपको सिंपल सर्च करना है, गूगल पे आना है और आपको सर्च करना है कि इलाहाबाद अनाथालय का नंबर, तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और उसमें आपको जो इलाहाबाद में जो भी अनाथालय होगा उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको शो करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की वीडियोज बनाता हूँ और बहुत बेकार की बात नहीं करते हुए बहुत शॉर्ट में ही आपको समझाता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।